हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी फिल्म मैं ज़रूर आऊँगा आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म में अरबाज खान, इंद्रिता रे और विकास वर्मा लीडिंग रोल में हैं। इस मूवी को चंद्रकांत सिंह ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी एक हॉरर सस्पेंस है जिसके इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। बोमन ईरानी, दिव्या दत्ता और संजय सूरी स्टारर फिल्म झलकी एक बच्ची की कहानी है जिसका भाई खो जाता है और वो अकेले उसे ढूंढने के मिशन पर लग जाती है। इस मूवी को ब्रह्मानंद सिंह ने डायरेक्ट किया है और एक बहुत ही बड़े सोशल प्रॉब्लम का मुद्दा प्रकाश झा ने इस मूवी को लिखकर उठाया है। एबोमिनेबल एक कंप्यूटर एनिमेटेड एडवेंचरस हॉलीवुड मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है जिल कल्टन ने। हॉलीवुड की ये एनिमेटेड फिल्म जिसे क्लोए बेनेट और अल्बर्ट टेसाई ने अपनी आवाज़ दी है। फिल्म की कहानी है एक टीनेज गर्ल यी की जो पूरी दुनिया घूमना चाहती है और उसकी मुलाकात होती है यति से। बात करें फिल्म के इफेक्ट की तो ये फिल्म ब्यूटीफुली एनिमेटेड है और मिक्सचर है कॉमेडी, एडवेंचर और इमोशंस का। बच्चों को ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है। पंजाबी मूवी फिल्म दूरमीन भी इस हफ्ते रिलीज हो चुकी है। निंजा, वामिका गबी, जस बाजवा और जैस्मिन बाजवा स्टारर ये फिल्म कॉमेडी के साथ साथ भरपूर ड्रामे से फुल होगी। प्रियांशु चटर्जी और गुलनाज स्टारर बॉलीवुड मूवी लिटिल बेबी आज की यूथ जनरेशन पर आधारित है। बाप बेटी के इस रिश्ते की कहानी को शेखर एस झा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की बात करें तो फिल्म में एक पिता को अपनी बेटी की फिक्र है लेकिन बेटी अपनी आज़ादी से जीना चाहती है। आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए शेखर झा ने बड़ी ही खूबसूरती से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।